नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका विलोमास किचन एंड ट्रैवल में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो झटपट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, इससे आपको मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। आज हम बना रहे हैं भांगड़ा फिश करी केरला स्टाइल में। तो यहाँ पे हमने भांगड़ा लिया है 1 किलो और इसे अच्छे से हमने काट के धो लिया है। तो फिश कटिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी, आप उसमें फ़िश कैसे कट करते हैं घर पे ये देख सकते हैं। फ़िश करी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून जिंजर, इस तरह से लंबा काटा है। शैलट्स लिया है 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून गार्लिक लिया है और 7 हरी मिर्च को इस तरह से बीच में स्प्लिट किया है। मछली का करी बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है टेराकोटा पॉट, तो यहाँ पे मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। तो पैन हमारा गरम हो गया है, हम डाल देंगे उसमें तेल। तेल हमारा गरम हो गया है, हम इसमें डाल देंगे मस्टर्ड सीड्स 1 टीस्पून। मस्टर्ड सीड्स के क्रैक होते ही हम डाल देंगे 1 टीस्पून फेनुग्रीक सीड यानी कि मेथी के दाने, हम इसे भी थोड़ा भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ गार्लिक, शैलट्स, जिंजर, हरी मिर्च और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। करी पत्ता भी डाल देंगे हम और अच्छे से इसे भून लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे मसाले, सबसे पहले हल्दी 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, और हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाले हमारे जलने नहीं चाहिए, तो हमें एक अच्छी सी खुशबू आएगी मसाले भूनने की, तभी हम इसमें मिला लेंगे 2 कप पानी। तो चलिए मसाले भून लेते हैं। मसाले हमारे भून गए हैं, हम डाल देंगे 2 कप पानी, मिला लेंगे अच्छे से। तो अब हम इसमें मिलाएंगे नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि हमने अब तक नमक नहीं मिलाया था, तो हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, मिला लेंगे अच्छे से।
खटास के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कोकम। अगर आपके पास कोकम नहीं है तो आप इमली भी डाल सकते हैं या फिर टमाटर काट के डाल सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली केरला फिश करी में हम खटास के लिए यूज़ करते हैं कोकम। तो कोकम को हमने यहाँ पे 3 से 4 पीस लिए हैं, इसे अच्छे से धो के हम ग्रेवी में मिला लेंगे। अब हम ग्रेवी के उबलने का वेट करेंगे। जैसे ही एक उबाल आएगी ग्रेवी में, हम इसमें फिश के पीसेस डाल देंगे। तो ये देखिए ग्रेवी में हल्का हल्का उबाल आ रहा है। तो इसी स्टेज में हम मछली के पीसेस को एक एक करके डाल देंगे। तो मछली डालने के बाद हमें इसे कलची से नहीं मिलाना है, क्योंकि मछली जो है बहुत सॉफ्ट होती है और उसके टूटने का भी डर लगा रहता है। तो हम हल्के हाथ से इसे मिलाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने सारे मछली के पीसेस को हमने डाल दिया है, और इस तरह से हल्के हाथ से हम ग्रेवी में डुबा देंगे मछली के पीसेस को। और इसे ढक के कम हमें 10 मिनट पकाना है। तो 10 मिनट में ही ये मछली अच्छे से पक जाएगा। उसके बाद अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप गैस को ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी थिक ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ी देर और पका के ग्रेवी को गाढ़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम ढक्कन लगा के इसे 10 मिनट तक पका लेंगे। तो 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारा मछली जो है अच्छे से कुक हो गया है और हमें ग्रेवी इतना ही चाहिए। तो अभी हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। तो मछली का करी जो है एकदम तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म राइस के साथ, पराठे के साथ, डोसा, इडली के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन होती है ये। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।